Here, adjustable wrench, big. Mm-hmm. Big adjustable wrench. Adjustable wrench. मैं टूल मैच भी कर लेता हूँ वो हो जाएगा ये है ना मैग्नेटिक पिकअप ठीक सर इसका यूज क्या है मैग्नेटिक पिकअप मैग्नेटिक स्क्रू निकालने के लिए स्क्रू या फिर हाँ कंजेस्टेड जगह कंजेस्टेड जगह वहाँ पर हाथ ना पहुँचे वहाँ पर डालने के लिए मैग्नेट उसमें होता है तो उसके थ्रू मैं पकड़ता हूँ तुम खींचो ठीक ठीक रख दो ये मैग्नेट है हाँ सर इंस्पेक्शन मिरर देखो इंस्पेक्शन मिरर मिरर कहाँ ये रहा ये इंस्पेक्शन मिरर हाँ छोटी साइज के ना ये कहाँ रखो इधर इसमें वो ये भी निकाल दो इसमें जो है इसका स्टबी वो फिलिप है और एक्स्ट्रा भी प्लेन है तो प्लेन है स्टेबल स्टब स्टबी स्टबी एस टी यू डबल बी वाई स्टबी दूर से देखा तो अपना आएगा वीडियो में ठीक स्टबी स्टबी फिलिप फिलिप बताओ सर एलएन की सेट जो है एलएन की सेट इधर होगा ये है सर एलएन की हाँ नाइन है उसको कौन है एक दो तीन चार है इधर तो अरे नीचे उसी में होगा अच्छा हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हाँ एडजस्टेबल रिंच स्मॉल एडजस्टेबल रिंच तो स्मॉल ये एडजस्टेबल रिंच स्मॉल ठीक इसको कहाँ रख रख दो सर ये स्मॉल वाला इधर रखें उसमें ही रख दो हाँ ग्रिप प्लायर ये ग्रिप प्लायर यही है ना सर उसको यूज कैसे करना है पता है नहीं सर बता दो लॉक कर ऐसे लॉक होता है ना कि ऐसे वीडियो में ये वो ट्विस्ट वाला है क्या नहीं ट्विस्ट ऑफ दोस्तों इसको भी ऐसे करना इसको कोई चीज पकड़ने के लिए है मान लो इसको करना है ना दूर कर पकड़ने इसको यहाँ साइड है और फिर इसको दबा देते हैं ये लॉक हो गया उतने ही साइज पे जितना भी ये एडजस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू और फिर ओपन करना है तो इसको दबाते हैं थोड़ा ये डिस्टर्ब है आराम से बैठो ठीक है ना रैचेट वहाँ गया हाफ ड्राइव वेंट उसके लिए नट के लिए फिलर गेज कौन सा है सर वही ये फिलर गेज इसका क्या काम है सर दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के डायमीटर को हम लोग मेजर करते हैं अच्छा दो मेटिंग पार्ट के बीच के डायमीटर को दो पार्ट्स अगर ऐसे मैच कर रहा है ना जिसके बीच में अगर गैप होगा तो उसको उसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं ऐसे करके हां और डिफरेंट डिफरेंट साइज का उस पे लिखा हुआ है कितना साइज होता है देखो 0.13 mm 0.15 mm 0.2 मीटिंग गेज और सर क्या नाम होता है इसका फिलर गेज दो के बीच में मीटिंग कौन सा सर मंकी प्लेयर कौन सा ये सब आएगा कौन सा ये वाला ज्वेलरी सेट होगा छोट ये रूम होंगे वो जो पतले पतले स्क्रू ड्राइवर ये छोटे वाले ना ना तो जुगल सेट कितने का दस कोड है ये वाले कितने ना ना वो सब नहीं सब फाइल्स हैं सर ज्वेलरी सेट एक तो वहाँ पर रखा हो बैटरी में वो तो बैटरी शॉप का ही होगा ना अच्छा इसका भी अलग ही है हाँ सारे टूल किट्स अलग रहता है
उसके बॉक्स में तो नहीं है ना? ना ना बॉक्स में कुछ नहीं है। स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसमें सारे छोटे छोटे? नहीं नहीं बॉक्स में प्लेन। हाँ पता है वो येलो कलर का बॉक्स होता है छोटा। बॉक्स नहीं है छोटा होता है। ज्वेलरी इसमें नहीं है सर। उसमें नहीं है ज्वेलरी सेट। देखना पूरा खाली। हाँ सर पूरा खाली। उसमें नहीं है। इसका तो नहीं है सर। नहीं नहीं वो तो सब ऑफसेट सीएसडी पीएसडी कहाँ देखिए। नहीं नहीं ये नहीं है ऑफसेट सीएसडी पीएसडी। वही ऑफसेट वही होगा। नहीं 90 डिग्री पर रहता है। ये निकल एक बार स्टील रूल स्टील रूल ये रहा ये स्टील रूल रखो उसमें रखो। ये भी सर ऑफसेट वाला होता है ना। पोकर सेट होगा चार। पोकर सेट चार। पोकर सेट है। इसको वायर स्ट्रिपर वायर स्ट्रिप करने के लिए तो वायर को हाँ नहीं नहीं एडजस्टेबल रेंच बड़ा कहाँ है शायद पहले ही रख दिए ना पहले रख दिया। हाँ ये है इसको रख दिया पहले। ठीक ठीक बैठ जाओ अभी ना। ठीक से बैठो। इधर बैठते नहीं बनेंगे इधर इधर से देख रहे हैं बैठो ना सर। मैग्नीफाइंग ग्लास है। हाँ ठीक है देखना एक ओपन करके देख लो सभी टाइप के होंगे। नेक्स्ट रख दो उसको। स्मॉल हेक्सा फ्रेम उधर है। आप ड्राइव एक्सटेंशन इसमें नहीं आ रहा है। ट्वीजर सेट ये रहा। कितने हैं चार ट्वीजर सेट। ट्वीजर सेट है। मिनीचर सेट और आप सर इसका क्या मतलब होल्ड करने के लिए पतली चीज़ों को पकड़ने के लिए खींचने के लिए भी सर। ये सर ये क्या है मिनिएचर सेट। मिनिएचर सेट टेक रेंच में तो बहुत छोटा है ना। मिनी मतलब छोटा होता है ना। हाँ तो सर इसका यूज कहाँ पर इतने छोटे का छोटे छोटे स्क्रू बैटरी का वो टाइट करना था तो यूज हुआ था ना। फाइन पर सेम मशीन से इधर रखना था। इधर देखते हैं छोटा जो है ना उसको उसने और छोटा वाले सब इधर रखना। बॉक्स छोटा वाला देख लो। क्या बताओ सर चीजल सेट। चीजल सेट ये है। हां अच्छा ये भी इसके भी टाइप्स होते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इसमें डायमंड कट होता है। डायमंड कट ये रहा। इसमें नहीं इसमें वो लिखा सही इधर किसमें रखा बड़े ये सब चीजल सेट कहाँ रखने चीजल सेट में वो बड़े वाले सॉकेट बॉक्स ये ओपन करना यही है ना। सॉकेट बॉक्स का सॉकेट
पे नंबरिंग लिखा हुआ है, इससे मैच कर रहा है। ये टू, ये तो मिसिंग है। हाँ, ये जो मार्क है ना, ये मिसिंग मिसिंग। उस साइड वाले को तो इसको भी साइड में, क्वांटिटी 20 है ना सर? कहाँ से स्टार्ट होती है? ये साइज का अलग होगा। 6 से स्टार्ट होती है और 32 तक। वो वाला पहले खोल लो। वो इसको भी साइड में कॉम भी स्पैनर, ये वाला जो हाथ में निकालो इसको। टू टाइप्स हैं। अच्छा, कितने हैं? तीन तीन कॉम्बी स्पैनर इसमें। हाँ। दो तरह के हैं, कौन सा क्या है कॉम्बी स्पैनर? तीन तो ऐसे है और रिंग टाइप का। देखो ये कॉम्बी स्पैनर है, ये ओपन एंडेड है और ये रिंग है ना। रिंग टाइप का कॉम्बी और ये रैचेटिंग वाला है। रैचेट ये लॉक हो जाता है। हां, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसके। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये 8 होंगे टोटल। सीजर ये सर अंदर रखो बड़ा। सीएचडी का फुल फॉर्म तो पता होगा। हां, कॉमन कॉमन सीएचडी फिलिप्स फिलिप्स। एक उस साइड रख दो, मिनिएचर सेट में डाल दिए। उधर रख दो सर वाला ऐसे। पेपर कटर, पेपर कटर ये रख दो। इसमें कैसे मिला? पीएसडी पीएसडी फ्लिप इसको ले लो। ओके, ये रख। वो वाला फिलिप बोल रहे हैं ना, पीएसडी। हां, पीएसडी छोटा की बड़ा सर? पीएसडी कितना है देखो? दो दो तीन होगा। तीन है। लो रख दो सर उसको, उसमें बॉक्स में रख दो। सीएसडी सीएसडी देखो तीन है सर। तीन नहीं होगा, दो होगा। वो उसको क्या बोलते हैं वो ग्रीन वाले को? ये तो ऐसे स्क्रू ड्राइवर ही है। कॉम्बी कॉम्बी है, इसमें फिलिप भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पीछे से निकाल के रोटेट कर सकते हैं। सीएसडी दो मंकी प्लायर। मंकी प्लायर का ये मंकी प्लायर सर, इसका यूज जनरली वही ओपन क्लोज करने के लिए, उसके मतलब जो साइज है ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। लॉकिंग प्लायर, लॉकिंग तो ज्वेलरी सेट है ना? ये नहीं नहीं, हां ज्वेलरी सेट है। हां ज्वेलरी सेट, ये ज्वेलरी तो है। हां, काउंट पर वो कितने हैं? सात होना चाहिए। देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सर। एक इसमें लगा होगा। हाँ, एक लगा हुआ है। सात है। ये कहाँ रखो? इसमें रखो। इसको यूज़ करने के लिए इसको हम मतलब कोई चीज़ यहाँ पे वायर पकड़ के और इसके थ्रू लॉक कर देते हैं। फिर उसको खींचते ऐसे, वो
ऐसे मतलब इसको छोड़ देते हैं और ऐसे खींचते हैं फिर रोटेट कर जाते हैं फिर लॉक हो जाता है ये ज्वेल सर्किट का है कटर सर एक है नोज प्लायर नोज प्लायर इन लोगों को भी दिखाओ ये नोज प्लायर ये कॉम्बी सीएसडी पीएचडी इसको कॉम्बी सीएसडी पीएचडी ये क्या है रिवेट स्क्रू हां रैचेट टाइप स्क्रू ड्राइवर रैचेट टाइप बिट स्क्रू ड्राइवर नीचे से भी इसको ओपन होता है उसको ओपन करो देखो इसके पीछे कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतना ही है अभी इसको क्या बोलते हैं लॉकिंग वायर लॉकिंग टायर टायर और ये जो बैग रखा हुआ इसको क्या बोलते हैं कौन सा बैग जिसमें रखा गया टायर इसको टायर रोप है पॉलीवेयर टायर रोप है 100 ब्लेड्स भी 100 ब्लेड ऊपर वाली सर 100 ब्लेड्स ब्रश ब्रश 100 ब्लेड्स